आपका जब भी कुछ मीठा और अच्छा खाने का मन करे तो आप ये बेसन का हलवा एक बार जरूर ट्राई करें। मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये बेसन का हलवा कैसे बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी, बदमाल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबसे गुरुद्वारे वाले बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि मुंह में घुल जाने वाला बेसन का हलवा कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह में घुल जाने वाला स्मूथ और टेस्टी बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे और उस पर हम एक कप चीनी डालेंगे और एक कप चीनी के साथ हम यहाँ पे 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे पानी थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हो, पर 2.5 कप पानी ऐड करने से हलवा बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और यहाँ पे चीनी को पानी के साथ अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे इसे सिर्फ मेल्ट करना है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। तो आप देख सकते हो चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कुछ केसर ऐड करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके बिना भी आप हलवा बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चीनी पानी रेडी हो चुका है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है और गैस का फ्लेम लो रखा है। तो हम यहाँ पे 1 कप बेसन ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पानी 2.5 कप लिया था और बेसन की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 1 कप ली है। तो बेसन को हमें लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। आप ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम आप ज़्यादा तेज ना कर दे, इससे बेसन जल सकता है। तो हमें बेसन को तब तक रोस्ट करना है जब तक इससे एक अच्छी खुशबू ना आने लग जाए या फिर आपके परिवार वालों को पता ना चल जाए कि हमारे घर पे बेसन का कुछ बन रहा है। सूजी का हलवा, आटे का हलवा लोग तो बनाते ही हैं, पर आप एक बार ये बेसन का हलवा ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हमारा बेसन रोस्ट हो चुका है, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और बेसन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बेसन की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने फिर से वही कढ़ाई ली है और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे लो रखा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3/4 कप घी। तो यहाँ पे थोड़ा घी रह गया है, मैं उसे बाद में ऐड करूँगी। तो घी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसके बाद हम इसमें रोस्ट किया हुआ बेसन ऐड करेंगे। इसके बाद हम घी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें इसे घी के साथ पकाना है। इस वाले हलवे में घी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, पर स्वाद भी बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। आप जितनी ज़्यादा घी डालोगे हलवा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे घी के साथ बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो थोड़ी सी बची हुई घी थी हम उसे मेल्ट करके बेसन में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। आप देख सकते हो यहाँ पे घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी पतली हो गई है। आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही करना है। आप देख सकते हो बेसन में यहाँ पे दाने दाने दिखने लग गए हैं, मीन्स हमारा बेसन अच्छे से पक चुका है। तब हम क्या करेंगे, जो पानी हमने रेडी करके रखा था हमें उसे ऐड करना है। पानी आप यहाँ पे धीरे धीरे करके ऐड करें और पानी को ऐड करने के तुरंत बाद ही आप इस स्पैचुला से इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और बेसन का हलवा बहुत ही स्मूथ बने। तो हम इसे अच्छे से इसी तरह मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है और लो फ्लेम पे ही मैं इसे पकाते जा रही हूँ। आप देख सकते हो हलवा यहाँ पे धीरे धीरे थिक होने लग गया है। तब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बड़ा चम्मच घी फिर से ऐड करेंगे। तो मैंने कहा ही था इस हलवे में घी ज़्यादा पड़ती है, तो हमें दिल पे पत्थर रख के घी को तो ऐड करना ही पड़ेगा। हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हलवा कितना स्मूथ दिख रहा है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। आप इसी तरह से कंटिन्यू इसे पकाते रहें। अगर आप इस तरीके से बेसन का हलवा बनाओगे तो बेसन का हलवा आपका बहुत अच्छा बनेगा और मेजरमेंट में आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। तो इसे मिक्स करने के बाद हम फिर से इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे और घी को हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हलवा थिक होने लग गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो हम लास्ट में 1 चम्मच घी और ऐड कर रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ 2 कप पानी का भी यूज़ कर सकते हो, पर 2.5 कप में हलवा बहुत ही स्मूथ बनता है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप पानी का यूज़ किया है। हमारा यहाँ पे हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कितना स्मूथ दिख रहा है और ये खाने में उतना ही टेस्टी होगा और ये बेसन का हलवा कम मेहनत में झटपट बनकर रेडी भी हो जाता है। तो हमारा हलवा रेडी है, तो चलिए हम इसकी सर्विंग करते हैं। सर्विंग करने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है और प्लेट में मैं गर्मा गर्म बेसन का हलवा सर्व कर रही हूँ।
इसके बाद मैं इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।